नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, हम लोग इसमें करंट देख रहे हैं कहां तक का, जून पूरा 2018 तक का देख रहे हैं। अभी इसमें मई 2018 तक का हुआ है, करीबन 7 जून तक का इसमें अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, तीन पार्ट हो चुके हैं, चौथा पार्ट है ये। और इससे पहले जो आरओ का एग्जाम हुआ था आपका यूपीपीसीएस वाला, उसमें मैंने एक पीडीएफ पूरी बनाई थी। वहां पे कहां तक का कर लिया था, मार्च 2018 तक का कर लिया था। तो यानी कि बचा क्या था, अप्रैल और मई वाला बचा था। तो अप्रैल और मई वाला अभी तीन चार वीडियो में मैंने ये चौथा वाला पार्ट है इसमें कर दिया है। ठीक है, अब एक काम करूंगा मैं कि जो ये वाली पीडीएफ है और प्लस जो पहले वाली पीडीएफ है, इन सबको मर्ज करके देखिए ये हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, studyforcivilservices.com में। जिसको फ्री में पढ़ना है वो उसको यहाँ पे मिलेगी, पीडीएफ साइट से डाउनलोड नहीं हो सकती है। और जिसको पीडीएफ चाहिए ही चाहिए किसी प्रिंट विंट आउट के लिए या किसी और काम के लिए, तो वो उसके लिए इंस्टा मोजो पे एक पैकेज कर दूंगा। और वो आपको जब ये वाली फ्री वाली पीडीएफ करूंगा, उसी के नीचे वहां पे लिखा रहेगा कि फ्री आपको अगर डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि जो इसका टोटल करंट अफेयर अब आपको पढ़ना कौन सा है मेंस के लिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मेरा कुछ एक वीडियो था पहले, एक 6 घंटे का था और एक करीबन 3 घंटे का था, और अभी हो जाएंगे 2-3 घंटे, तो 11-12 घंटे का ये पूरा वीडियो मर्ज कर दूंगा जो इम्पोर्टेंट है यूपीपीसीएस मेंस के लिए। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट स्कीम वाला, रैंकिंग वाला, सब कुछ एक साथ मर्ज कर दूंगा और आप लोग वो पूरा देख लीजिएगा वीडियो। तो ये है करंट अफेयर का टोटल, लगभग ये बन गई है पीडीएफ। ठीक है, और इसके बाद यूपी का मैं दे ही चुका हूं आपको। अच्छा, एक और अपडेट है आपके लिए कि राजस्थान के जो लोग आरएएस का दे रहे हैं पेपर, उनके लिए राजस्थान का टोटल करंट अफेयर 1-1.5 साल का, प्लस बजट, प्लस सेंसस, प्लस क्विक फैक्ट, प्लस फॉरेस्ट का डेटा, ये सब मैंने एक पीडीएफ में करके यहाँ पे studyforcivilservices.com में कर दिया है। आप लोग फ्री में जाके पढ़ सकते हैं। देखिए, पीडीएफ यहाँ पे आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन पढ़िए ना आराम से, क्या दिक्कत है उसमें। और जिसको अगर हर पीडीएफ चाहिए हमारी, तो वो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर ले। देखिए, पेड ग्रुप के लिए क्या करना है, 7838692618 ये है हमारा नंबर, लेकिन इस पे कॉल नहीं हो सकती है, ये बात एकदम क्लियर है। इस पे आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। और इसमें पेड ग्रुप में फायदा क्या क्या है कि टेस्ट होता है हर हफ्ते में, और प्लस उसका प्लान मिलता है, वो टेस्ट मैं खुद बनाता हूँ तो उसी लिए उसका इवेल्युएशन होता है। एक आपको डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, प्लस और भी जितनी टोटल करंट अफेयर की पीडीएफ, ठीक है, टेस्ट की पीडीएफ, प्लस जीके की पीडीएफ, प्लस जितनी भी जो बेसिक फ्री वाली पीडीएफ है वो तो आप वैसे भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। और प्लस जो मेरी पीडीएफ है जितनी भी, जब तक ग्रुप चलेगा, ये ग्रुप चलेगा यूपीपीसीएस में 2018 तक, मतलब करीबन देखिए दिसंबर 2018 तक तो डेट आई नहीं है, तो कम से कम फरवरी 2019 तक तो ये ग्रुप चलेगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ पीडीएफ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहे तो। वैसे अगर आप हमारा एक पर्टिकुलर हर टेस्ट लेंगे तो हर टेस्ट की कॉस्ट लगभग है 250 रुपए, और उसमें अभी तक 23 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। 24वां वाला है आपका 13 तारीख को, और अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से पहले काफी सारे टेस्ट हो जाएंगे, करीबन 10 और हो जाएंगे। और प्लस बहुत सारा उसमें रिविजन कराऊंगा, वॉइस समरी दूंगा, काफी सारी जैसे स्पेक्ट्रम की वॉइस समरी और बहुत कुछ होता है उसमें। एक बार का ग्रुप है और एक बार की फीस है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आगे का। देखिए, इंडिया की रैंकिंग आई है 145, 195 कंट्री की हुई थी टोटल, 145 आई रैंकिंग। और ये किस चीज में है आपकी, हेल्थ केयर में। ठीक है, तो हेल्थ ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स जो है उसमें आपकी रैंकिंग आई इंडिया की 145 आई है। अगर आप स्टेट वाइज बात करेंगे तो गोवा और केरल ने अच्छा परफॉर्म किया है सबसे, और असम और उत्तर प्रदेश ने सबसे खराब परफॉर्म किया है। और ये जो है रैंकिंग किसकी, हेल्थ केयर एक्सेस और क्वालिटी के टर्म्स में है, जिसको कि पब्लिश किसने किया है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी, और जो कि लैंसेट ने पब्लिश की। पहला ये हो गया करंट अफेयर। दूसरा इसमें अभी देखिए जो एक लेटेस्ट आया था, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2018, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है, 130, और 186 कंट्रीज का उसमें इवेल्युएशन किया गया था। इंडिया की रैंकिंग पिछली बार थी 143, इस बार रही है 130। और इसको पब्लिश कौन किया है, इसको पब्लिश किया है द हेरिटेज फाउंडेशन, यूएस बेस्ड है ये। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये देखिए रैंकिंग वैंकिंग ये काफी लेटेस्ट वाली है और काफी इंपॉर्टेंट वाली जो है वो मैंने लिखी हुई है। तो ग्लोबल आपका हेल्थ केयर एक्सेस में 145 है लैंसेट की स्टडी द्वारा, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 130 है इसकी रैंकिंग इंडिया की 186 कंट्रीज में से, पिछली बार से 13 प्लेस मतलब इंप्रूव हुई है। द हेरिटेज फाउंडेशन इनको
करते हैं पब्लिश। और देखिए टॉप में कौन रहा है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, नंबर वन कंट्री रही है हांगकांग। इंडिया के नेबर की बात करेंगे अगर आप, तो इंडिया ने लगभग सबसे खराब परफॉर्म किया है, ठीक है, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग इतनी 130 है। तो भूटान ने भी हमसे अच्छा किया, श्रीलंका ने भी किया, बांग्लादेश ने, और इन तीनों ने हमसे अच्छा किया, लेकिन पाकिस्तान से हम अच्छे हैं और नेपाल से अच्छे हैं, और चाइना ने भी हमसे अच्छा परफॉर्म किया। तो ये आप याद रख सकते हैं, इसमें इतना बहुत है। ब्रिक्स में अगर आप देखेंगे रैंकिंग, तो सिर्फ हमने ब्राजील से अच्छा किया है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, बस बाकी सबसे हम पीछे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट इसमें ये न्यूज है, ये इनुका। देखिए मैंने यहाँ पे बस मेन मेन चीजें लिखी हैं जो आपको जानने वाली इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया कि इनुका है क्या, ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये दुनिया का इकलौता ट्रॉपिकल पोलर बियर था। ट्रॉपिकल पोलर बियर याद रखिएगा, इसकी अभी डेथ हो गई थी सिंगापुर के जू में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए। फिर देखिए आगे चलते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल फायर पावर एक रैंकिंग होती है, वो क्या करते हैं रैंकिंग, वो ये रैंक करते हैं कि जो दुनिया भर की कंट्री है उनकी जो मिलिट्री है वो कितनी स्ट्रांग है। तो दुनिया की सबसे जो स्ट्रांग मिलिट्री ऑब्वियसली कौन होगी, यूएस, फिर रशिया है, फिर चाइना है, ठीक है, फोर्थ नंबर पे है हमारा भारत। तो ये याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है ग्लोबल फायर पावर ये लिस्ट के हिसाब से। इंडिया नंबर फोर पे है, पाकिस्तान नंबर 13 पे है, नंबर वन पे यूएस, फिर रशिया, फिर चाइना है, ठीक है। अगर एक एक बात आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना का यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया, ये इंपॉर्टेंट था चीज। इसमें क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप देखें इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करेंगे, तो टोटल टोटल आर्म्ड पर्सनल की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया के पास ज्यादा है, ठीक है। तो इंडिया और चाइना की हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा खांसी आ गई थी। देखिए इंडिया और चाइना की अगर आप टोटल आर्म्ड पर्सनल की बात करेंगे तो इंडिया ज्यादा है, मतलब इंडिया के पास टोटल आर्म्ड पर्सनल कितने हैं, करीबन 42 लाख, ठीक है, चाइना के पास कितने हैं, 37 लाख। लेकिन जो एक्टिव पर्सनल है वो चाइना के पास ज्यादा है, तो चाइना के 37 में से 22 लाख एक्टिव है और इंडिया के सिर्फ 13 लाख है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंपेरिजन है और बाकी इतना जरूरी नहीं है, इंडिया की रैंकिंग फोर्थ है। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। पहली बात तो एक हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट आई थी, मतलब इसने अमीरों को पूरा क्लासिफाई किया था। अब इंडिया के पास थर्ड नंबर और हाईएस्ट है, मतलब बिलियनियर का सबसे ज्यादा जो बिलियनियर कहां पे है, चाइना में है, यूएस में नहीं है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बिलियनियर है चाइना में, सेकंड नंबर पे यूएस है और थर्ड नंबर पे है हमारा इंडिया। सबसे ज्यादा चाइना में 819 है, यूएस में 571 है और इंडिया में कितने हैं, इंडिया में 131 हैं, लेकिन अगर इंडियन ओरिजिन को भी कंसिडर कर लेंगे तो ये 170 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो इंडिया में बिलियनियर्स हैं वो कहां से हैं, 19 है फार्मास्यूटिकल से। इवन जो यंगेस्ट बिलियनियर है वो है श्रद्धा अग्रवाल, और उसके बाद जो सबसे रिचेस्ट इंडियन कौन है, वो ऑब्वियस सी बात है मुकेश अंबानी है, और फिर इनकी रैंकिंग कितनी है, 19 है ये, और फिर जो है वो है अदानी। तो ये बस इतना सा याद रखिएगा, बस बहुत है इतना। 31 नए इंडियन आ गए इसमें, तो ये दो चार चीजें याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि CCPI 2018, ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग आई थी। 56 नेशन को इन्होंने इवेल्युएट किया, इंडिया की रैंकिंग कितनी आई, 14। इंडिया 14वें नंबर पे है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसको पब्लिश कौन करता है, आपका एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जर्मन वॉच, ठीक है। और इंडिया की जो रैंकिंग है पिछली बार से इंप्रूव हुई, पिछली बार 20 रैंकिंग थी, इस बार हो गई है 14। और चाइना का अगर आप देखिए ग्रीन हाउस गैस इमिटिंग कंट्री का टोटल प्रोडक्शन में देखेंगे तो चाइना नंबर वन पे ही है, ये आप याद रखिएगा। चाइना की रैंकिंग है 41st, और इसमें ये जो रैंकिंग आई थी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, टॉप थ्री प्लेसेस में कोई नहीं भरा गया, मतलब टॉप थ्री इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो लोग किसी भी कंट्री ने 2015 के जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हुई थी उसमें से कोई भी कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहा है कोई। ये जो हम लोग की बात हुई थी पेरिस जो आपका ये क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ था कि इस सदी के अंत से पहले आपको 1.5 डिग्री केवल ग्रोथ पे रोकना है किसी तरह, और मतलब 2 डिग्री पे रोकना, और अगर जितना ज्यादा हो सके तो एवरेज जो ग्रोथ होनी चाहिए टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन वो कोई नहीं मान रहा है। बॉटम कंट्री कौन है, बॉटम कंट्री है सऊदी अरेबिया, ठीक है।
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपकी बॉटम कंट्री कौन सी है? सऊदी अरबिया है। देखिए आप ये देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से, अभी मैं देख रहा था, कंफ्यूजन हो गया था। तो इसमें देखेंगे अगर आप कि जो आपके टॉप थ्री में कुछ है ही नहीं, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे है स्वीडन, और हमारा इंडिया कितने नंबर पे है? 14th नंबर पे है। ठीक है, तो ये है आपका। तो याद रखिएगा, इंडिया की रैंकिंग है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 वाले में, जिसमें जो कि पब्लिश करता है जर्मन वॉच। इंडिया की रैंकिंग है 14th, और सबसे लास्ट में है सऊदी अरेबिया। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में अब हो गई है कितनी? 81। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2017 वाला जो अभी लेटेस्ट आपका किया गया है, 2018 में पब्लिश किया गया है, उसमें इंडिया की रैंकिंग हो गई है 81st हो गई है रैंकिंग, 180 कंट्रीज में से। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहां पे बेस्ड है? जर्मनी बेस्ड है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जर्मनी बेस्ड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया, उसमें भारत की रैंकिंग आई 81, 180 देशों में। और पिछली बार जो हमारी रैंकिंग थी वो 79 थी। ठीक है, 2016 वाला जो 2017 में किया गया था, हमारी हर बार, दोनों बार हमने 40 स्कोर किया है। तो मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो रैंकिंग है हमारी, 2 प्लेस घट गई है, और ज्यादा करप्शन हुआ है मतलब। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रैंकिंग है, 0 मतलब हाई करप्ट है, और 100 मतलब वेरी क्लीन है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जो इसमें करप्शन देखा जाता है वो पब्लिक सेक्टर में देखा जाता है। और सबसे ज्यादा जो क्लीनेस्ट कंट्री कौन सी है इस लिस्ट के हिसाब से? न्यूजीलैंड और डेनमार्क। तो न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, और फिर डेनमार्क है, सबसे लास्ट में है सोमालिया, 180 नंबर पे है सोमालिया। इंडिया के नेबर की अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो इंडिया से ऊपर है आपका भूटान और चाइना। ठीक है, तो इंडिया की अगर आप देखें इसमें, तो ये जैसे चाइना की रैंकिंग है 77 और भूटान की है 26, बाकी जो सब है वो इंडिया से ज्यादा करप्ट है। चाइना कैसे आ गया ये नहीं समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया था 2018 वाला, 156 देशों का इसमें आपका इवेल्युएशन हुआ, इंडिया की रैंकिंग आई 133। इंडिया पिछली बार 122 नंबर पे था, इस बार 133 नंबर पे आ गया, मतलब इंडिया के लोग ज्यादा दुखी हो गए हैं, पता नहीं क्यों। पता नहीं, मैं अभी देखना, बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो लोग ओपिनियन रखते हैं वो सब कुछ, सब लोग एक ही पे डाल देंगे कि इन सब का रीजन कौन है, आप समझ ही गए होंगे। हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चलो, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? यूएन बेस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग 122 से हो गई कितनी? 133 हो गई। सबसे ज्यादा खुश कंट्री है फिनलैंड, नॉर्वे और फिर डेनमार्क। और सार्क नेशन में अगर आप देखेंगे तो केवल अफगानिस्तान हमसे ज्यादा दुखी है, इवन पाकिस्तान भी हमसे ज्यादा खुश है, ये तो हद हो गई। और चाइना भी हमसे ज्यादा खुश है, 86 है पोजीशन। ठीक है, नेपाल भी खुश है, भूटान भी खुश है, इवन बांग्लादेश और श्रीलंका भी खुश है, बस अफगानिस्तान से हम ज्यादा खुश हैं, बाकी सब लोग हमसे अगल बगल वाले ज्यादा खुश हैं। फिर देखिए कि ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग आ गई है 78। ठीक है, तो पहले ये 62 थी रैंकिंग, अब आ गई 78 रैंकिंग। और ये पब्लिश किसने किया था? इंटरनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी DHL ने किया था। नेक्स्ट है इसमें जो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 133, 183 कंट्री में। और इसको कंपाइल कौन करता है? कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट। और इसको टॉप किसने किया है इस लिस्ट को? जर्मनी ने किया है। नेक्स्ट है इसमें 2016 का जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स था, इंडिया की रैंकिंग थी 7वीं, 163 कंट्रीज में से जो मोस्ट, सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुई है। और इसको पब्लिश किसने किया था? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। और इसमें बोला गया है कि इराक जो थी वो वर्स्ट हिट थी, सबसे ज्यादा मतलब प्रभावित थी टेरर से 2015 में, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान और नाइजीरिया और पाकिस्तान फिर और सीरिया, 7 नंबर पे था इंडिया। नेक्स्ट है इसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2017 वाली जो रैंकिंग थी, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 108वीं, 108वीं पोजीशन पे था इंडिया, 144 कंट्री का इवोल्यूशन हुआ था। इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है, यानी कि WEF की रिपोर्ट होती है ये।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और इंडिया की 108 रैंकिंग थी, और इंडिया की रैंकिंग जो है पिछली बार से 21 प्लेसेस गिरी है। देखिए वैसे भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन इंडिया में है नहीं, अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के जजेस में, सुप्रीम कोर्ट में इस समय सिर्फ 2 महिलाएं हैं, हाई कोर्ट में भी टॉप जजेस की पोजीशन में नहीं है। इवन अगर आप पार्लियामेंट में भी देखेंगे तो करीबन जो परसेंटेज है कितना, 11.36% है केवल प्रेजेंटेशन, अगर ये मेरा फिगर गलत हो तो प्लीज करेक्ट करिएगा। और अगर आप जो टोटल भी देखेंगे जहां जहां भी महिलाएं हैं वहां पे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि सेम सैलरी नहीं मिलती है सेम काम के लिए, और प्लस रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। हालांकि गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रयास तो किए हैं लेकिन थोड़ी और जरूरत है। आइसलैंड जो कंट्री है आपकी वो सबसे ज्यादा जेंडर इक्वल कंट्री है, फिर उसके बाद नॉर्वे और फिनलैंड है। ठीक है, तो ये जो हमारी जेंडर गैप में देखिए 87 से 108वीं पोजीशन पे हम आ गए हैं, और इसके लिए ये चार चीजें हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एडुकेशनल अटेनमेंट और हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इसमें हमारी रैंकिंग टोटल मिला के देखिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 9 से हम आ गए 15 पे, मतलब गिरी है। ठीक है, और हेल्थ एंड सर्वाइवल में तो चलो इम्प्रूव हुई है, हेल्थ पे फोकस किया गया है, एडुकेशनल अटेनमेंट में भी गिरी है, नहीं इसमें भी इम्प्रूव हुई है सॉरी, और आपकी ये इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में गिरी है। तो ये है टोटल जो ग्लोबल जेंडर ये आपका ये जो गैप इंडेक्स। उसके बाद इंडिया की अगर आप रैंकिंग देखेंगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 114 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग है 78th। ठीक है, इसको टॉप किसने किया, स्वीडन ने किया है, नंबर 2 पे है नॉर्वे। तो एनर्जी इंडेक्स में कितनी रैंकिंग है इंडिया की, 78, और इसको पब्लिश कौन करता है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसकी रिपोर्ट एक आई थी फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये किसकी रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, और इसने इंडिया की प्रशंसा की थी कि इंडिया ने बहुत सारे बोल्ड मेजर लिए हैं, बहुत सारे स्टेप लिए हैं, बहुत सारे कदम उठाए एनर्जी एक्सेस, एनर्जी एफिशिएंसी और इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि जैसे जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का वो सब बढ़ा दिया गया है, और सोलर एनर्जी विंड एनर्जी सब पे फोकस किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स। अच्छा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो गया था, कई जगह 136 लिखा है, कई जगह 137 लिखा है। ठीक है, देखिए अगर ये ग्लोबल पीस इंडेक्स की आप ऑफिशियल साइट पे जाके देखेंगे तो इसमें आप ये देखिए कि आइसलैंड जो है वो नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री आइसलैंड है, और सबसे कम पीसफुल है आपका सीरिया। तो ये दो दो चीज हो गई आपकी ग्लोबल पीस की, और 92 कंट्री ने में जो पीस पोजीशन है वो डिटीरियोरेट हुई है, मतलब बेकार हुई है, और 71 कंट्री में बढ़ी है, अच्छी हुई है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा अगर आप देखें इसमें ये वाली रिपोर्ट को डाउनलोड अगर करें आप, जब तक रिपोर्ट डाउनलोड हो रही है ये हमारी वेबसाइट है, देख लीजिए, इसमें लेटेस्ट पोस्ट पे आप जाइए, और जितनी भी PDF है सब मैंने यहाँ पे कर दी। देखिए राजस्थान की ये कैप्सूल है, क्विक GK है, इसमें सेंसस है, बजट है, सब कुछ है। अभी जो ये वाली टोटल करंट अफेयर बना रहा हूँ ये वाली PDF भी यहाँ पे डाल दूंगा, प्लस बहुत सारी है यहाँ पे। अब देखिए सब कुछ, यूपी का करंट अफेयर है, एग्रीकल्चर GK है, NCERT PDF है, फ्री करंट अफेयर है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप जाके करंट अफेयर में यूपी MP बिहार का, फिर यहाँ पे जाके काफी सारी चीजें बुक्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मतलब PDF। ठीक है, तो ये है इसमें। अब ये है रैंकिंग, देखिए टोटल, देखिए ये पहली बात है कि 71 कंट्री ने इम्प्रूव किया है, 92 कंट्री में जो प्रीस पोजिशन है डिटीरियोरेट हुई, और 0.27 जो है टोटल ग्लोबल अगर आप देखेंगे तो वो जो इसकी पोजिशन है शांति की वो, और ये अगर इसमें आप देखेंगे रैंकिंग एक्चुअली नहीं 136 ही है, ये 137 नहीं है, तो ये 136 है यहाँ पे रैंकिंग। ग्लोबल पीस इंडेक्स देखिए 2018 वाला है, ऑफिशियल रिपोर्ट पे अगर आप देखें तो इंडिया का, अगर आप देखेंगे इंडिया की रैंकिंग सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बेटर है, और भूटान और श्रीलंका नेपाल बांग्लादेश ये सब हमसे बेटर है। तो यहाँ पे 137 है, ये 136 है सॉरी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, 136 है ये, तो ये 136 होगी, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, ये 136 है, 137 नहीं है। आइसलैंड आइसलैंड वन है, सीरिया नंबर लास्ट पे एकदम। इसको पब्लिश करता है कौन, सिडनी बेस्ड IEP। इंडिया की इम्प्रूव जो ये आपकी रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई कितनी, 141 से 136, देखिए 5 प्लेस इम्प्रूव हुई है यहाँ पे, ये भी गलत है, जहां से लिया है मैंने ये शायद डेटा गलत हो गया है। नेक्स्ट है इसमें, चलो मैंने देख लिया इसीलिए,
देखिए ग्लोबल इंडेक्स ऑफ टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस की जो लिस्ट थी 2017 वाली, उसमें इंडिया की पोजीशन है 81 आउट ऑफ 118 कंट्री में, ठीक है। तो इंडिया की जो आपकी पोजीशन है 92 से इंप्रूव होके 81 हो गई है ग्लोबल इंडेक्स ऑफ टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस में। तो यहां पे इंडिया ने अच्छा काम किया है टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। इसको पब्लिश कौन करता है? इनसीड, ग्लोबल बिजनेस स्कूल है इनसीड, ये आपका एडेको और टाटा कम्युनिकेशन के साथ मिलकर करता है पब्लिश। स्विट्जरलैंड है नंबर वन पे और इंडिया की रैंकिंग लास्ट है जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं सब में से। फिर WEF का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है आपका, देखिए दोनों को इसीलिए एक साथ रखा है क्योंकि कंफ्यूजन होता है। ये क्या है? ये है ग्लोबल इंडेक्स ऑफ टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस, ये GTI है और इसको पब्लिश करता है इनसीड। और ये क्या है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। तो इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी है? 40 है रैंक है ये, और हाईएस्ट है साउथ एशिया में, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इंडिया मोस्ट कॉम्पिटिटिव है आपकी साउथ एशिया में, ये आप याद रखिएगा। और ये लास्ट ईयर से एक लो है ये रैंकिंग। नेक्स्ट है इसमें ये देखिए, ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड है नंबर वन पे, नंबर टू पे यूएस है। इंडिया की रैंकिंग है 40, चाइना की 27 है, रशिया और बाकी ये सब देख लीजिए। उसके बाद ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री है साउथ एशिया की, 40 नंबर पे है इंडिया 137 कंट्रीज की लिस्ट में से, जिसको पब्लिश कौन करता है? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये है यहाँ पे। और फिर उसके बाद है नेक्स्ट टोटल वेल्थ के मामले में अगर आप देखेंगे तो इंडिया कितने नंबर पे है? छठे नंबर पे है। इंडिया दुनिया की छठवीं वेल्दीएस्ट कंट्री है और जो कैपिटल टोटल कितनी है हमारे पास, टोटल मिला के 8,230 बिलियन डॉलर, कितनी ज्यादा कैपिटल है बताइए। और इंडिया में इतनी गरीबी है, अगर थोड़ा सा इधर से लेके उधर बांट दिया जाए तो कितना मजा आ जाए। देखिए ये है इंडिया की टोटल वेल्थ है कितनी, किससे किससे ज्यादा है? फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और इटली से ज्यादा है। नंबर वन पे कौन है? नंबर वन पे यूएस है टोटल वेल्थ के मामले में, तो ये याद रखिएगा नंबर वन पे यहाँ पे यूएस है। अच्छा, हम लोगों ने देखा था अभी जो बिलियनियर लिस्ट थी उसमें नंबर वन पे कौन था? चाइना। चाइना में 800 समथिंग थे, लेकिन जो टोटल वेल्थ के मामले में यूएस है नंबर वन पे और चाइना नंबर टू पे है। और इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ प्राइवेट वेल्थ को कंसिडर किया गया है और यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट फंड है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो दोनों चीजें इसीलिए दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ। वेल्दीएस्ट कंट्री की बात आएगी तो इंडिया 6 नंबर पे है, यूएस है यहाँ पे नंबर वन पे, और नंबर ऑफ बिलियनियर की बात आएगी तो चाइना नंबर वन पे, याद रखिएगा। और इंडिया में कितने बिलियनियर है अभी बताया था मैंने, 131 था शायद, हाँ। तो वेल्दीएस्ट कंट्री है ये, और देखिए यूएस की कितनी है टोटल? हमसे 8 गुना, ठीक है, 8 गुना है हमसे, और चाइना से भी बल्कि इवन करीबन 2.5 गुना से तो ज्यादा है ही। तो ये है। और नंबर थ्री पे है जापान, इवन जापान की भी हमसे ज्यादा वेल्थ है। फिर देखिए ये एक जो डायग्राम दिया है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंडिया में कितने हैं? 20,730 मिलीनियर हैं, मल्टी मिलीनियर है, सॉरी 119 है बिलियनियर, और ये 119 में, वैसे ये वाली रिपोर्ट के हिसाब से 119 है लेकिन टोटल कितने थे? 131। अभी हमने देखा था हुरॉन वाली जो रिपोर्ट आई थी। तो ये है ये देखिए स्टार जहां पे बना हुआ है ये वाला स्टार, इनके पास मतलब सेवरल मिलियन डॉलर से ज्यादा है और 7th लार्जेस्ट है ये वर्ल्ड में। उसके बाद बिलियनियर का मतलब है जिसके पास 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो। देखिए 1 बिलियन में कितना होता है जीरो? एक के बाद 9 जीरो, ये है 1 बिलियन, 1 मिलियन में एक के बाद 6 जीरो होता है, तो ये याद रखिएगा। इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017 में कितनी है? 60 है रैंकिंग और 127 कंट्री की लिस्ट थी ये। पिछली बार कितनी थी हमारी रैंकिंग? 66। तो यहां से हमने इम्प्रूव किया है, 60 आ गए हैं हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, मतलब इनोवेशन में काम किया गया है। और ये जो है आपका नीति आयोग ने मिलके DIPP और CII के साथ एक प्रोग्राम भी चलाया था, इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स जो कि स्टेट को रैंक करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में आपकी हमारी इंडिया की जो रैंकिंग है वो बढ़ गई है। पहले कितनी थी? पहले हम लोग 43rd नंबर पे थे लेकिन तब 45 का केवल इवैल्यूएशन होता था, तो मतलब हम लोग लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट थे, ठीक है।
पहले 43 थी हमारी, अब है 44, लेकिन अब 50 कंट्री का इवोल्यूशन हो रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, तो हमारी 44th रैंकिंग है, ये याद रखिएगा। इसको पब्लिश कौन करता है? यूएस का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है ये, जो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर का ये है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें नंबर वन पे कौन सा है जल्दी से बताइए, ऑब्वियस सी बात है कौन सा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वैल्यूएबल नेशन ब्रांड लिस्ट 2017 वाली में 8वीं हो गई रैंकिंग। इसको पब्लिश करता है ब्रांड फाइनेंस, ठीक है, तो ये पब्लिश करता है। और इंडिया की रैंकिंग पिछली बार थी 7वीं और हम हो गए 8 नंबर पे, मतलब यहाँ पे गिर गई है, एक रैंकिंग गिर गई। टॉप 10 वैल्यूएबल नेशन ब्रांड कौन कौन से? यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान और हमारे पोजिशन है 8 नंबर पे। इंडिया की अगर आप बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, उसमें रैंकिंग है 100th है 119 कंट्री में से, और इसको पब्लिश कौन करता है? वॉशिंगटन बेस्ड है IFPRI, यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हमारी जो हंगर इंडेक्स में रैंकिंग है, आप हम समझिए कि हमारी रैंकिंग ये अगर स्लिप हो गई है, 97 पे थे, अब हम आ गए 100 नंबर पे, मतलब और भूखे लोग बढ़ गए हैं, ये बात है इसमें। इंडिया के नेबर की बात करेंगे अगर हम हंगर इंडेक्स में, तो इवन नेपाल की कंडीशन हमसे बेटर है, म्यांमार की भी बेटर है, इवन बांग्लादेश की भी बेटर है, श्रीलंका की बेटर है, चाइना की बेटर है, पाकिस्तान की खराब है और अफगानिस्तान की खराब है, और इवन जो नॉर्थ कोरिया और इराक है वो उन लोगों ने भी हमसे अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे जो खराब कंडीशन है पूरी दुनिया में वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की, जो कि अफ्रीका का है, ठीक है, और ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अफ्रीका से रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछ लेते हैं, जल्दी से बताइएगा आंसर। टोटल नंबर ऑफ कंट्री सबसे ज्यादा किस कॉन्टिनेंट में है और कितनी है? टोटल नंबर ऑफ कंट्री अफ्रीका में कितनी है, एशिया में कितनी है, यूरोप में कितनी है, नॉर्थ अमेरिका में कितनी है, साउथ अमेरिका में कितनी है, ये कुछ फैक्ट आपको बीच बीच में बताते जाइए। नेक्स्ट है इसमें कि 25 साल की जो प्रकृति है बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट की, वो पहली महिला बन गई है जिनको इंडक्ट किया गया है डायरेक्ट एंट्री कॉम्बैट ऑफिसर में, और कहां पे? ITBP फोर्स में। नेक्स्ट है इसमें देखिए महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ये सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो अब क्वेश्चन इसमें आएगा कि महानदी वाटर डिस्प्यूट किसके किस बीच में है, ये है आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राज्य के बीच में, पानी का ही डिस्प्यूट होता है इंडिया में ज्यादातर ऐसे, इसके लिए ये ट्राइब्यूनल कर दिया गया है। ये ट्राइब्यूनल का हेडक्वार्टर होगा नई दिल्ली में, और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे AM खानविलकर, ठीक है। तो महानदी का याद रखिएगा, वाटर डिस्प्यूट में कहाँ कहाँ है? उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बीच में, दिल्ली में बनाया गया है, और इसके अध्यक्ष जो है AM खानविलकर, और तो कई सारे लोग हैं, सबके नाम नहीं याद रख सकते हम लोग। फिर ये नेक्स्ट है इसमें एक चीज देखिए, ये जो है आपका कि ये पूछा जा सकता है इसमें कि पहली बार एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOU साइन किया गया है इंडिया और आपका फ्रांस के बीच में, ठीक है। ये अभी तक क्या होता था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक इंडिया का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एक फ्रांस का है, उनके बीच में MOU होता था, लेकिन ये पहली बार हुआ है फ्रांस के साथ। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ पहली बार MOU साइन किया है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। मतलब क्या कि जो हम हैं वो फ्रांस की डिग्री को रिकॉग्नाइज करें और फ्रांस जो है वो हमारी डिग्री को रिकॉग्नाइज करें, जो भी यहाँ की लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया ने पहली बार किया है किसके साथ? फ्रांस के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ ये HRD मिनिस्ट्री ने किया था ये, ठीक है। और इसमें म्यूचुअल रिकॉग्निशन होगा और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ताकि जो मोबिलिटी है और प्रोफेशनल ये सब बढ़े। नेक्स्ट है इसमें एक म्यूजिक सीरीज स्टार्ट की है, कहाँ किस मिनिस्ट्री ने की? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, और ये इनक्रेडिबल इंडिया हेरिटेज सीरीज में है ये, और 3 जगह की गई है, दिल्ली, वाराणसी और कोची। तो ये याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं कि म्यूजिक सीरीज कहाँ कहाँ चालू हुई है, दिल्ली, वाराणसी और कोची। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, और इसमें ये ऑर्गेनाइज कैसे की जाएगी? SPIC मैके के द्वारा, ठीक है। और बेसिकली देखिए इसमें फोकस यही कि टूरिज्म फॉर ऑल जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं ये, और 6 वीक का होगा टोटल, इसमें काफी सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कोवाली की होगी, कबीर गयान, चोयर बाउल, ये सब। फिर देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है, ये जरूर पूछेंगे किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछेंगे, क्या पता यूपी पीसीएस में ही पूछ लें और यूपीएससी में भी आ सकता है। इंडिया जो है अगर आप देखेंगे तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एनर्जी का, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का, और थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, और ये रशिया और जापान से इवन ज्यादा। तो इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है 34% बढ़ी है लास्ट के 7 सालों में। इलेक्ट्रिसिटी पे तो काफी फोकस किया है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, ये बात तो है, और जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफी फोकस किया है, सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, न्यूक्लियर एनर्जी का बढ़ गया है, हर जगह मतलब इलेक्ट्रिसिटी में। और इवन जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्लेम किया था इंडिया के जितने भी गांव हैं वो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं। गांव के इलेक्ट्रीफाइड होने का मतलब ये नहीं कि हर घर इलेक्ट्रीफाई हो गया है, उसका मतलब क्या है जल्दी से आप बताइएगा, मैंने एक बार बताया था अभी बीच में। तो देखिए इसमें फैक्ट क्या क्या याद रखने हैं आपको कि इंडिया ने एक ये देखिए इंडिया ने जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2016 में कितने बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, 1423 1423 आपकी बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है। 1 बिलियन यूनिट का मतलब है वो कितनी होती है, करीबन 10 मिलियन हाउस होल्ड को, एक घर में 3 लोग, यानी कि 30 मिलियन, यानी कि 1,10,00,000 करोड़, 3 करोड़ लोगों को ये इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है 1 बिलियन यूनिट। और 1 बिलियन हमने कितनी की है, 1423, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी की समस्या तो रहती है, और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इलेक्ट्रिसिटी का, और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, दोनों चीज याद रखिएगा। चाइना नंबर वन पे है, चाइना के में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, नंबर टू पे यूएसए। और अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुआ है, रिन्यूएबल में हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रोथ 22% का करीबन हुआ है रिन्यूएबल में। लेकिन रिन्यूएबल अभी भी जो इंडिया की एनर्जी का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसका सिर्फ 18.79% है, अभी भी सबसे ज्यादा जो चंक है वो कहाँ का है, थर्मल का है, मतलब सबसे ज्यादा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है थर्मल से ही आती है, जो कि ये आपके जितना भी पॉल्यूशन है उनका भी सोर्स है। तो इंडिया की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितनी है, 334.4 गीगावाट, ये आप याद रखिएगा। और इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में इंडिया 5th नंबर पे है, ठीक है। प्रोड्यूसर अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर में नंबर थर्ड पे है, और कंज्यूमर भी नंबर थर्ड पे है, लेकिन इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी हमारी 5th लार्जेस्ट है। सबसे ज्यादा कहाँ है, यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन में तो इतने सारे कंट्री है, नंबर टू पे चाइना है, कंट्री वाइज चाइना हुआ मतलब। गवर्नमेंट का जो टारगेट है, जैसे आपका काफी सारा टारगेट है 100 गीगावाट और आपका 180, देखिए ये पीआईबी की वेबसाइट है, पीआईबी की वेबसाइट में ही सबसे इंपॉर्टेंट और जेन्युइन डेटा मिलता है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था 175 गीगावाट का रिन्यूएबल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी का 2022 तक, और इसमें 60 गीगावाट आनी है विंड पावर से, 100 गीगावाट आनी है सोलर पावर से, और 10 गीगावाट आनी है बायोमास पावर से, और 5 गीगावाट आनी है स्मॉल हाइड्रो पावर से। तो इतनी 175 गीगावाट आनी है ये करीबन 2022 तक, और इंडिया का पोटेंशियल करीबन है 900 गीगावाट का, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अच्छा आप ये बताइए आपकी सोलर पावर में सबसे ज्यादा इस समय जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहाँ पे है, फिर वैसे ही विंड में कहाँ पे है आपकी, न्यूक्लियर में कहाँ पे है, और स्मॉल हाइड्रो में कहाँ पे है, थर्मल में कहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है, ठीक है। तो ये आप बता दीजिएगा, काफी सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 7% से बढ़ी है और बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रहा है करीबन 7.3% का। और इसमें देखिए अब 334 जो गीगावाट हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी है, इसमें से जो थर्मल वाली है 219.81 है, यानी कि 65% तो थर्मल ही है। उस सेकंड नंबर पे आता है हमारा कौन सा, सेकंड नंबर पे अब आ गई है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल की कितनी 62, और थर्ड नंबर पे है आपकी ये हाइड्रो वाली। देखिए ये जो मैप दिया हुआ है विकिपीडिया का, इसमें पिक्चर क्लियर हो रही है लगभग कि आपकी टोटल कितनी है, 334-344 है करीबन, थोड़ा बहुत फिगर में होता है ये। नंबर वन पे तो है हमारी थर्मल, थर्मल में क्या क्या आता है, कोल आता है, गैस आता है, डीजल आता है, ये 3 कंपोनेंट आते हैं, ये बेसिक बात है जरूर याद रखिएगा। तो टोटल मिला के थर्मल की कितनी होगी 222, और न्यूक्लियर की होगी 6780, तो काफी तेजी से बढ़ी है न्यूक्लियर। और हाइड्रो की कितनी है करीबन 45,000, और अदर रिन्यूएबल की है ये, और टोटल अगर आप रिन्यूएबल की देखेंगे तो 114, मतलब ये जो नंबर टू पे इस समय कौन आ गया है, रिन्यूएबल, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं थोड़ा, देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाली से मैंने देखा है अभी रिपोर्ट, ये फाइनल रिपोर्ट। तो अगर आप देखेंगे कि लास्ट के करीबन 4 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ा है, लगभग दुगना हो गया है,
और 70,000 हो गई टोटल। और अगर आप देखें, देखिए विंड पावर इंस्टॉल्ड में हम आ गए हैं 4th नंबर पे, तो ये रैंकिंग याद रखिएगा। 6th हम आ गए हैं टोटल सोलर पावर में, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और टोटल रिन्यूएबल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हम 5th नंबर पे आ गए हैं, ये कुछ कुछ रैंकिंग याद रखिएगा, ठीक है। तो टोटल आप देखें क्यूमुलेटिव रिन्यूएबल एनर्जी आपका कैपेसिटी कितनी है इस समय, है करीबन 110, और 2022 तक का टारगेट है 175। उसके बाद देखिए सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी है टोटल कितनी हो गई है, 22 गीगावाट हो गई है ये अभी 2017-18 में लेटेस्ट में। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप देख लीजिएगा जो मेन बातें मैंने बता दी आपको, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट जो इसमें सोलर पार्क है इंडिया में वो पावागढ़ में है ये, तो ये याद रखिएगा। देखिए इंडिया की अगर आप देखेंगे टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जो है इस समय कैपेसिटी कितनी है, 69.02, मतलब 70 गीगावाट हो गई है लगभग। हम लोग जो है लार्ज हाइड्रो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को काउंट नहीं करते हैं, जो कि 13% है करीबन, ठीक है। तो इंडिया में स्मॉल हाइड्रो पावर जो होती है वो रिन्यूएबल में आती है, तो ये याद रखिएगा जरूर। देखिए इसमें ये फैक्ट है कि जो 4 पूरे विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट हैं उनमें से 7 में से 4 हमारे यहाँ हैं, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो सोलर प्लांट है भडला सोलर पार्क राजस्थान में बनाया जा रहा है ये, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। विंड एनर्जी की कैपेसिटी कितनी, 34 गीगावाट है, 4th लार्जेस्ट विंड पावर प्रोड्यूसर है हम पूरी दुनिया में, ठीक है। तो देखिए ये इसमें देख सकते हैं आप कि टोटल रिन्यूएबल में क्या क्या मानते हैं, विंड और सोलर, बायोमास पावर और वेस्ट टू पावर, और स्मॉल हाइड्रो, लार्ज हाइड्रो वाला नहीं मानते हैं। और टोटल ये कितना है, 69 है, हमारा टारगेट है 175 का 2022 तक का, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब 70 में से सब आधी तो विंड ही है, और 21 हो गई सोलर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, और प्लस इसके कुछ और भी फैक्टर्स हैं वो सब भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये है टोटल, अगर आप देखें तो जैसे कोल में सबसे ज्यादा कौन है, इसमें ये न्यूक्लियर में कौन सा है, ये सब चीजें देख लीजिएगा। चलो बस इतना बहुत है इसमें। एफडीआई है टोटल, अगर आप पावर सेक्टर में देखेंगे 100% एफडीआई है, उसकी वजह से बहुत एफडीआई आया है। नेक्स्ट है इसमें कोचोन प्राइस दिया जाता है आपका, एनुअली दिया जाता है, ये ट्यूबरकुलोसिस को, टीबी को बंद कर मतलब एंड करने के लिए दिया गया है। इस बार दिया गया किसको, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट है इसमें एक ड्रग है QOL2C, इसको डेवलप किया है CCRAS ने, और ये किस चीज के लिए है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में किया गया है, बस इतनी चीज याद जरूर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपको 50 करोड़ से ज्यादा ये लोन लेना है तो पासपोर्ट डिटेल आपकी ली जाएगी, ताकि आप नीरव मोदी जैसे भाग ना सकें देश से, 12,000 करोड़ रुपए लेके वो भाग गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए हॉकी इंडिया ने अभी अपॉइंट किए अपने कोच, मेन टीम का कोच है नए हरेंद्र सिंह जी हैं, और वुमेन के हैं सुजोरिद मरीज ने करके, तो ये वुमेन का है, हॉकी इंडिया ने किया है। दोनों के नाम याद रखिएगा, हरिंदर सिंह जी और सुजोरिद मरीज ने। फिर नेक्स्ट है इसमें भारत के वीर एक एंथम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था, उसके सिंगर कौन थे, कैलाश खेर, ठीक है। इसमें से जो भी मनी आएगी, पैसा आएगा, वो पैरामिलिट्री ट्रूपर्स को दिया जाएगा, जिन्होंने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट है इसमें ये पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस किस देश ने किया है अभी रिसेंटली, वो यूके ने किया है, जो कॉक्स कमीशन की रिकमेंडेशन पे इन्होंने बोला है कि जो 18 से 34 साल के युवा हैं बहुत लोनली फील करते हैं, तो ये बात आप देख लीजिएगा, ज्यादा लोनली ये यूके में होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि इंडिया ने 3 मूर्ति चौक का नाम बदल के 3 मूर्ति हाइफा चौक रख दिया है, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे। देखिए इजराइल ने क्या किया था, इजराइल का एक फ्लावर था क्रिसेंथम फ्लावर, उसको मोदी जी के नाम पे कर दिया था मोदी, तो ये वही मतलब समझ लीजिए कि एक रिटर्न गेस्चर के तौर पे इंडिया ने भी जो नेतन्याहू हैं उनका ये मतलब इसराइल के सम्मान करने के लिए 3 मूर्ति चौक का नाम रख दिया, 3 मूर्ति हाइफा चौक। फिर देखिए नेपाल आजकल बहुत उछल रहा है, और नेपाल में जैसे हम ही से मदद लेके और चाइना का हमेशा कार्ड खेलता रहता है, तो ये सब चीजें हैं, जैसे नेपाल हो गए, मालदीव हो गए, छोटे छोटे कंट्री हैं, जब तो ये वक्त पड़ने पे तो इंडिया ही इनको मदद करता है, और इंडिया की जो मदद होती है हमेशा
वो इंडिया एक सही बात ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के लिए करता है, चाइना किसी की भी मदद बिना किसी मतलब के नहीं करता है। चाइना ने पूरे अफ्रीका में भी रिसोर्सेज जो के लिए कंट्री को एक्सप्लॉयट कर दिया है, सब वहां पे एग्रीकल्चर लैंड और सब खरीद लिए हैं। और चाइना हमेशा जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, जो उसमें मालदीव को यूज कर रहा है, श्रीलंका का हम्बन टोटा है, प्लस और भी बहुत सारी चीज कर रहा है। तो चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए हमेशा ऐसा करता रहता है। नेपाल चाइना के रिश्ते भी बीच में खराब हुए थे, तो चाइना ने फायदा उठाया और फाइनली जो यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन है, अभी तक नेपाल का इंडिया से मिलता था, अब चाइना से मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें निर्मला सीतारमन, जो कि देश की पहली डिफेंस मिनिस्टर है, जो कि देश की पहली मतलब फुल टाइम है, एक पार्ट टाइम थी, उनका नाम क्या है जल्दी से बताइएगा। इन्होंने ये कॉम्बैट जेट Su-30 MK-1 MKI में उड़ान भरी थी, कहां से? जोधपुर से। बस ये याद रखिएगा, कहां से भरी थी ये? जोधपुर से। पीएम इंडिया जो है साइट अब 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और असमी और मणिपुर का लेटेस्ट वाला अभी किया गया है। फिर देखिए पीएम ने आई क्रिएट सेंटर की ये किया था, कहां से इनॉग्रेशन किया था? देव धोलरा विलेज से, अहमदाबाद से। आई क्रिएट सेंटर किस चीज से रिलेटेड है जल्दी से बताइए। देखिए नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को, और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए करते हैं, तो नेशनल यूथ डे और सर्वधर्म सभा को संबंधित किया था बेलागवी कर्नाटक से। देखिए नेशनल यूथ डे को कौन सी मिनिस्ट्री मनाती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। और इस बार मनाया गया कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। पहली बार जो है नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ है NCR में, और ये 22वां नेशनल फेस्टिवल था, इससे ज्यादा का उन्होंने पूछी है। और इसमें थीम क्या थी? संकल्प से सिद्धि, बस इतना रट ले हो। पहला वाला जो था नेशनल यूथ फेस्टिवल वो भोपाल में होता है 1995 में। नेक्स्ट है इसमें तेजस्विन शंकर जो है, ये हाई जंपर है, और इन्होंने अभी नेशनल रिकॉर्ड अपना ही तोड़ा है, 2.28 को बेटर किया है, ठीक है, 22वें फेडरेशन कप में पटियाला में। नेक्स्ट है इसमें कूल EMS सर्विस, ये किस चीज के लिए है? ये इंडिया और जापान के लिए है, फूड इंपोर्ट करने के लिए लॉन्च की गई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के द्वारा। वन वे सर्विस है जापान से इंडिया में फूड लाने के लिए, ठीक है, तो ये है इसमें। दिल्ली में भी अवेलेबल है, तो अभी ये फोर्थ वाला कर लेते हैं, यहां तक, यहीं तक अभी मैंने बनाया। देखिए इसमें क्या हो गया, अब मैंने अप्रैल 2018 मई 2018 का इंक्लूड कर दिया, प्लस जो आपके लेटेस्ट जितने भी इंडेक्स थे वो सब यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। इंडेक्स वाली लिस्ट मैंने पहले भी दी थी, पूरे जो अवार्ड वाले मैंने पहले भी दिए थे, टोटल आपकी गवर्नमेंट स्कीम पहले भी दी थी, तो सब कुछ मैं दे चुका हूँ उसमें। एक एक या दो वीडियो और लगेगा अभी कंप्लीट करने में, फिर उसके बाद आपको करीबन 13 या 14 तारीख को एक वीडियो मिलेगा जो कि टोटल होगा। जो पहले वाले वीडियो इम्पोर्टेंट है, एक 6 घंटे का है, एक 2-3 घंटे का है, और ये वाले जो मिला के 2-3 घंटे के, टोटल 11-12 घंटे का वीडियो बन जाएगा, आपको वो दे दिया जाएगा। और इन सब PDF को भी मैं जोड़ दूंगा, और कहाँ मिलना है वो तो आपको बता ही दिया गया है। कहाँ मिलनी है PDF? studyforcivilservices.com पे फ्री में, और उसी के नीचे लिंक रहेगी आपकी, ठीक है। लास्ट वाले वीडियो में दूंगा, जब वो पूरा एक साथ वीडियो दूंगा 11 घंटे का, तब उसमें दे दूंगा लिंक कि आप वहां से फ्री में भी देख लीजिए, अगर डाउनलोड करना है तो वहां पे कुछ कॉस्ट रख देंगे कि आप उसको डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, जो क्वेश्चन पूछे थे जरूर उनका आंसर दे दीजिएगा।